हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रदर्स क्लैश। और गाइस, आज का ये मेरा अपलोड किया हुआ दूसरा वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही तगड़ी और फाड़ू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो पे बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साइड का जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करने का बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपने फ्री फायर में आने वाले कुछ नए इवेंट्स और बंडल्स और कॉस्ट्यूम्स के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप अभी हमारे स्क्रीन पे ये बंडल देख रहे होगे। इस बंडल का नाम है कनिंग विज बंडल। और गाइस, ये बंडल हमें हॉलोविन के वक्त हमारे इंडियन सर्वर पे देखने को मिल सकता है। और इस बंडल के हॉलोविन इवेंट के वक्त इस बंडल के हमारे इंडियन सर्वर पे आने के 90% चांसेस है गाइस। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड बंडल की ओर। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड बंडल कौन सा होगा। और गाइज, ये है हमारा सेकंड बंडल। ये बंडल बहुत ही तगड़ा है, दिखने में एकदम फाड़ू है गाइज। डेविल हंटर बंडल नाम है इसका। ये भी शायद हमें हमारे हॉलोवीन इवेंट के वक्त हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। तो गाइज, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड बंडल की ओर। और गाइज, ये है हमारा थर्ड बंडल, स्ट्रीट थग बंडल नाम है इस बंडल का। और गाइज, ये बंडल मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा है, पर अगर ये बंडल आएगा तो क्या आप इसे लोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बंडल की ओर। और गाइज, हमारा फोर्थ बंडल एक फीमेल बंडल है जिसका नाम है पर्शियन सीक्रेट्स बंडल। गाइज, ये बंडल भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है और शायद ये बंडल हमें हमारे इंडियन सर्वर में OB24 के अपडेट के बाद देखने को मिल सकता है। एंड गाइज, ये बंडल है सर्फ राइडर बंडल। गाइज, ये बंडल हमारे इंडियन सर्वर में एक बार आया था ऐसा मुझे लगता है गाइज, आया होगा नहीं होगा वो मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं, पर ये बंडल हमें हमारे इंडियन सर्वर पे जल्द ही देखने को मिल सकता है। और इस बंडल के हमारे इंडियन सर्वर पे आने के 80% चांसेस है गाइज ये 2 महीने। तो ठीक है गाइज, हम अपना अगला बंडल अब देखते हैं। और गाइज, ये है हमारा फिफ्थ बंडल। और ये बंडल मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ढांसू बंडल लगा है गाइज। इस बंडल का मुझे हेड बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा है गाइज। और बाकी तो बंडल ठीक ठाक ही है, पर बंडल एकदम मस्त है गाइज। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बंडल की ओर। और गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट बंडल जो हमें हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही जल्द मतलब इस 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये बंडल हमारे इंडियन सर्वर पे देखने को मिल सकता है। और ये बंडल मतलब इसका नाम है डांसर कपल बंडल, मतलब इसमें फीमेल बंडल भी है और मैंने जो अभी दिखाया ये मेल बंडल भी। और ये जो बंडल है इसे बहुत सारे यूट्यूबर बाहुबली बंडल के नाम से भी जानते हैं गाइज, मतलब यूट्यूब पे अभी बहुत चर्चा चालू है गाइज ये बंडल की। तो ये बंडल हमें 1 महीने के अंदर अंदर हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। ओके गाइज, तो बंडल्स का तो इतना था। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के ऊपर। तो हमें हमारे इंडियन सर्वर में ये जितने भी है उतने टोटल के टोटल मैजिक क्यूब एक्सचेंज करने के जो बंडल है वो हमें हमारे इंडियन सर्वर पे OB24 के अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं। तो ये है रेस्ट्रीडोर माइस्टिको, मतलब हमारा जो माइस्टिक सीकर बंडल है ये वही माइस्टिक सीकर है, बस यहाँ पे मेक्सिकन सर्वर पे इसका नाम अलग होता है। तो गाइज, मुझे बंडल इतना कुछ खास नहीं लगाया, अगर आप ये बंडल लेना चाहो तो ले लो। और अगर आपको ये बंडल पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारा डचनेस स्वेलोटेल वाला बंडल है। ये बंडल इतना भी खास नहीं गाइस, पर अच्छा है। ये हमारे डायमंड रॉयल में आया हुआ बंडल है, ये भी हमें मैजिक क्यूब में देखने को मिलेगा। और ये वेनम वाला बंडल आज से करीब करीब 1.5 साल पहले आया था फ्री फायर में, ये बंडल भी हमें देखने को मिलने वाला है मैजिक क्यूब एक्सचेंज में। बनी बंडल फीमेल वाला हिमस्टर बनी बंडल जो है वो भी हमें हमारे मैजिक क्यूब एक्सचेंज में देखने को मिलने वाला है। और टाइटन आर्मेडो, मतलब टाइटन आर्मर ऐसे कुछ नाम होगा शायद इस बंडल का, और ये भी हमें हमारे मैजिक क्यूब में देखने को मिलने वाला है।
और ये दोनों बंडल भी हमें हमारे मैजिक क्यूब में देखने मिलने वाले हैं। और गाइस मुझे सबसे अच्छी बात लगी मैजिक क्यूब स्टोर की कि यहाँ पे विकेड जोकर वाला जो बंडल है फीमेल वाला वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब गाइस ये बंडल बहुत ही ज़्यादा रेयर हम इसे कह नहीं सकते गाइस, पर ये बंडल बहुत ही ज़्यादा ओपी बंडल है। तो गाइस मुझे ये बंडल तो बहुत पसंद आया, आपको पसंद आया कि नहीं वो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। और अब हम बढ़ते हैं हमारी प्लान बरमुडा की जो ग्लू वॉल है उसकी तरफ। गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी लीक्स दे रहे हैं कि ये जो ग्लू वॉल है ये हमें टॉपअप इवेंट पे देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं गाइज, ये जो ग्लू वॉल है वो हमें टॉपअप इवेंट पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाली। ये जो ग्लू वॉल है उसे लेने के लिए हमें कुछ टोकन्स दिए जाएंगे, कॉइन अर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट हाइट्स ऐसा कुछ है उसके ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ टोकन्स हमें दिए जाएंगे और उन टोकन्स को रिडीम करके हम ये ग्लू वॉल ले सकते हैं। और ये जो पैसे फेंकने वाला इमोट है गाइस ये हमारे इंडियन सर्वर में हमें 599 डायमंड्स को दिया जा रहा है, पर यहाँ पर ये रिडीम करने पे ही मिलने वाला है गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टोकन का हमें, अगर ये इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पे आया तो ये टोकन हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस। और देखिए गाइस ये जो ग्लू वॉल के लिए जो टोकन्स लग रहे थे वो टोकन्स हमें ऐसे बॉक्सेस में से हमें एक्सचेंज करने के लिए वो जो कॉइन्स लगते हैं वो हमें ऐसे बॉक्सेस में से मिल सकते हैं। यहाँ पर 10, 5, 2, 1 ऐसे हमें कॉइन्स दिए जा रहे हैं और इसके अंदर हमें डायरेक्टली ग्लू वॉल भी परमानेंट मिल सकती है, ये इमोट भी परमानेंट मिल सकता है और ओटेरो पेट की जो स्किन है गाइस बरमुडा रैमस्टर्ड वाली सॉरी ऑटेरो हाइस्ट वाली वो भी हमें देखने को मिल सकती है गाइज। और ये एक बॉक्स यहाँ पर 30 डायमंड्स को दिया जा रहा है गाइज, और हमारे इंडियन सर्वर में ये बॉक्स कितने को दिया जाएगा ये कुछ मैं आपको फिक्स बता नहीं सकता हूँ। और अगर ये ग्लू वॉल इंडियन सर्वर में आई तो कितने लोग आप में से कितने लोग इसे निकालोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना गाइज। और गाइज अब हम लोग आ चुके हैं हमारे आर्मरी सेक्शन की ओर। तो कॉन्टेंजा हिपस्टर मतलब हिपस्टर वाली जो गन स्किन है MP5 वाली और M79 वाली वो हमें देखने को जल्दी ही मिल सकती है गाइज हमारे इंडियन सर्वर में। और गाइज और एक गन स्किन है M60 वाली गन स्किन है गाइज, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइज M60 वाली ये पूरी गोल्ड कोटेड जो है वो गन स्किन है, डबल रेंज है, रिलोड स्पीड कम है गाइज, ये स्किन एकदम ओपी है गाइज और ये हमें जल्द ही हमारे इंडियन सर्वर पे देखने को मिल सकती है। और फ्री फायर वाले इस स्किन को बॉक्स में तो बिल्कुल नहीं देंगे गाइज, ये स्किन हमें टॉपअप इवेंट पे मिल सकती है और टॉपअप हमें 200-500 डायमंड्स के टॉपअप पे ये स्किन हमें मिल सकती है। और गाइज और सबसे बड़ा खुलासा गाइज आर्मरी में जो नेड का सेक्शन है वहाँ पे हमें 2 नेड की स्किन और बंकर ग्लोवल जो है उसकी भी स्किन हमें वहाँ पर देखने को मिल सकती है गाइज हमारे इंडियन सर्वर में, ये सब हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा हमारे गिफ्ट सेक्शन पे। तो गाइज हमें हमारे गिफ्ट सेक्शन में इलाइट पास देखने को मिल सकता है गाइज, मतलब मिलेगा ही गाइज जल्द ही हमें हमारे गिफ्ट सेक्शन में इलाइट पास देखने को मिलेगा हमारे इंडियन सर्वर में। इसका मतलब है कि हम इलाइट पास गिफ्ट कर सकेंगे हमारे इंडियन सर्वर में, तो डायरेक्टली इलाइट पास लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे प्लेयर्स के लिए, जिसकी वो उनकी गेस्ट आईडी में एयर ड्रॉप लेंगे और अपनी रियल आईडी में वो इलाइट पास गिफ्ट कर लेंगे। तो ठीक है गाइज और हम हमारे अभी अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे मतलब हमारे इंडियन सर्वर में जो इमोट वाले इमोट पार्टी इवेंट आया था वो इमोट पार्टी इवेंट हमें वापस से हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है गाइज। तो आज के लिए इतना ही था गाइज, हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, और इस बार भी हम गिव अवे रख रहे हैं गाइज, तो अपनी अपनी UID कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और गाइज इस बार का गिव अवे जो जीतेगा उसे हम 100 डायमंड्स वाला टॉपअप देंगे और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि गिव अवे का विनर कौन है। तो ठीक है गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।